नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीबीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो मिश्री की। दोस्तों, सीरियल मिश्री के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोग देखने वाले हैं मिश्री को शलाखों के पीछे, क्योंकि मिश्री को होने वाली है सजा। और उसे कौन देगा ये बड़ी सजा, चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल। मगर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल टेलीपीप्स पर नए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीरियल मिश्री की कहानी में पार्वती को जहर दे दिया है खुद मिश्री ने। हालांकि ये सारा एक प्लान होता है नाटक का, लेकिन हकीकत में मिश्री के हाथों से पार्वती को जो है जहर पिला दिया गया है। ऐसे में अब पार्वती की हालत काफी नाजुक है, और हमारे प्यारे राघव ने देख भी लिया है मिश्री को पार्वती के प्रसाद में जहर मिलाते हुए। और ये जो जहर का ड्रामा है, मतलब आप खुद सोचिए, नकली जहर था और यहाँ पर असली जहर में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब कोई ना कोई तो घर में जहर लेकर आया ही है, और जिससे कि ये सब कुछ कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जहर लेकर आई है सुप्रिया बुआ जी, फूफा जी, रंजीत फूफा जी को देने के लिए, ताकि वो उसे जान से मार दे, ताकि वो उसे ना मार सके और मिश्री के साथ कुछ गलत ना कर सके। तो ये बात तो मिश्री को पता नहीं है, और उस दौरान बातों ही बातों में ना सुप्रिया के संग हमारी मिश्री का लिफाफा बदली हो जाता है, जिसमें नकली जहर की बजाय असली जहर से जो है पर्ची लिफाफे बदल जाते हैं। और इसकी वजह से ये सारा ड्रामा क्रिएट हो गया, और इसकी सज़ा तो मिलनी है ना, क्योंकि अब देखिए जहर तो दिया गया है पार्वती जी को, और अब उस जहर की वजह से हमारी प्यारी सी जो मिश्री है वो फंस चुकी है, क्योंकि राघव उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसे घर से निकाल रहा है, काफ़ी कुछ भला बुरा कह रहा है। और अब तो उसने पुलिस को बुला लिया है, और पुलिस को जो है पार्वती को जहर देने के इल्ज़ाम उस पर लगाकर उसको जो है अरेस्ट करवा दिया है। और अब जो है ना मिश्री जेल जा चुकी है, और अब ये बात वाणी को पता चल गई है कि मिश्री जेल गई है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उसे अपनी छोटी बहन मानती है, जिसको लेकर राघव और वाणी में जो है झगड़ा हो रहा है। और अब यहाँ पर वाणी जो है मिश्री से पूछ रही है कि तुम सच सच बताओ कि क्या तुमने ही पार्वती माँ को जो है जहर दिया है, जहाँ मिश्री कहती है कि नहीं दीदी, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते और हमने उनको जहर नहीं दिया है, ये सब कुछ पता नहीं कैसे हो गया है। तो अब यहाँ पर वाणी सच जानने के बाद ना असली कल्प्रिट तक पहुँचने की कोशिश करेगी कि सच में यहाँ पर जहर आया किसने, लाया कौन, और जहर दिया किसने पार्वती को। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या अब ये सब सच जानने के बाद वाणी की वजह से मिश्री जेल से बाहर आएगी, या फिर राघव ही अपनी कंप्लेंट वापस लेकर मिश्री को जेल से बाहर निकालेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।